मम्मी जी बंद करवाइए ना ये सब। गॉड प्लीज प्रार्थना, ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम सिद्धि की बैसाखी के सहारे इस घर में दोबारा आई थी, जब सिद्धि ने मुझे चैलेंज किया था, जब मेरे मना करने के बावजूद तुम अपने बच्चे को इसी घर में जन्म देने की जिद पकड़े हुए थी। पर वक्त अब हाथ से निकल चुका है प्रार्थना, और सिद्धि के साथ अब जो कुछ भी होने जा रहा है वो सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत। और एक बार वो बस जेल में चली जाए, उसके बाद तुम्हारी बारी है प्रार्थना। मैं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर कर दूंगी प्रार्थना, और फिर तुम क्या करोगी? अब तो तुम अकेली हो, किसकी मदद लोगी? तुम किसे पुकारोगी? बोलो, सोचा है? तुम्हें शौक था कि तुम अपने बच्चे को उसका हक दिलाना चाहती हो। अब देखती हूं मैं कि तुम अपने बच्चे को उसका हक कैसे दिलाती हो। ये क्या हो गया मम्मी जी आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोगों ने तो हमें अपना लिया था ना, सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे ना, तो फिर कि आप लोग क्या कह रहे हैं मम्मी जी? हाँ, फिर से हम बदल चुके हैं, क्योंकि वो हमारा सिर्फ एक नाटक था। तुम्हें और सिद्धि को एक दूसरे से अलग करने के लिए एक नाटक घड़ा था। सच्चाई तो ये है प्रार्थना कि मैं तुम्हें कभी अपना ही नहीं सकती। नफरत करती हूं मैं तुमसे कि तुम्हारा वजूद बार बार मुझे अपनी हार की याद दिलवाता है, याद दिलाता है कि मैं अक्षय को तुमसे शादी करने के लिए रोक नहीं पाई थी। तुम मेरे लिए एक चुनौती हो प्रार्थना, और उस चुनौती को मैं जल्द खत्म करके ही रहूंगी। और जो सिद्धि तुम्हारा सहारा बनकर आई थी, उसे तो मैं ऐसे शिकंजे में फांसूंगी कि वो उस शिकंजे से कभी निकल ही नहीं पाएगी। मुश्किलों से वो जब जब उबरने की कोशिश करेगी, तब तब उसके सामने एक नई मुश्किल आकर खड़ी हो जाएगी। और जब तक वो इस दलदल से बाहर निकलेगी, तब तक उसके दिल में जीने की चाहत खत्म हो चुकी होगी। सिद्धि इज फिनिश्ड प्रार्थना, हर टाइम इज ओवर।